नमस्कार दोस्तों, मैं हम सूर्य, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। दोस्तों, अक्षय कुमार से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है और अक्षय कुमार बहुत अलग तरह की फिल्म करने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा फिल्म मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी की है। खबरों के हिसाब से बात करें, अक्षय कुमार करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म जिसका नाम साइको शायद होगा, अगर नहीं भी होगा तो साइको का करेक्टर उन्हें निभा रहे हैं इस फिल्म में। जी हाँ दोस्तों, बात मैं कर रहा हूँ मोहित सूरी की आने वाली फिल्म के बारे में। मोहित सूरी ने कई सारी कमाल की फिल्में बनाई है और यहाँ पर भी मोहित सूरी कुछ अलग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोहित सूरी ने आपको पता आवारापन बनाई है, इसके अलावा मलंग बनाई है, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज जैसी कई सारी फिल्में बनाई है। और मोहित सूरी की फिल्म की बात करें तो पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मोहित सूरी डायरेक्ट करेंगे और रोहित शेट्टी प्रोड्यूस करेंगे। रोहित शेट्टी अपने बैनर की कोई भी फिल्मों को उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन इस बार रोहित शेट्टी प्रोड्यूस करेंगे और डायरेक्ट करेंगे मोहित सूरी। और एक साइको ड्रामा है जहाँ पे साइको कैरेक्टर जो है, यानी पागलपन वाला कैरेक्टर जो है, अक्षय कुमार निभा रहे हैं। इस फिल्म की जो शूटिंग है अगले साल शुरू होगी फर्स्ट हाफ में, यानी कि फरवरी मार्च में कभी भी शूटिंग शुरू हो सकती है। और 40 डेज़ का शेड्यूल होने वाला है, 40 दिनों का शेड्यूल होने वाला है। और 40 दिनों का स्टार्ट टू एंड शेड्यूल में अक्षय कुमार इस फिल्म को ख़त्म करेंगे। फिलहाल अक्षय कुमार इंडिया के बाहर है और एक फिल्म जो है मुदस्सर अजीज़ की कॉमेडी फिल्म खेल खेल में, उसकी शूटिंग में बिज़ी है। और कुछ दिन पहले अक्षय कुमार ने सिंघम यानी कि सिंघम 3 की शूटिंग के लिए हैदराबाद गए थे 5 दिन के लिए। कुल मिलाकर कहने की बात यहाँ पर यह है कि अक्षय कुमार फिर से एक बड़े और यूनिक प्रोजेक्ट पे काम करने के तैयार है। तो आप कितने एक्साइटेड, ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा साइको के लिए। शुक्रिया, कितना ही।